हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हर रोज की तरह आज भी 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आज हम कवर करेंगे जो आपका इकोनॉमिक्स है और आपके जो साइंस के दो तीन क्वेश्चन देखेंगे। पहले पिछले प्रश्न का जो है उसका आंसर देख लेते हैं। कौन सी एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था है? तो ये है PNB। एकता चौहान जी का हर रोज की तरह बिल्कुल सही जवाब था। आज का जो पहला प्रश्न रहेगा आपका, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है। तो आपने बताना है, ऑप्शन दिए गए हैं, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपके पास बी दिया गया, मुद्रास्फीति कहलाता है। महालनोबिस समिति किससे संबंधित थी? तो आपने बताना है महालनोबिस समिति किससे संबंधित थी। ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। इसका जो ऑप्शन सी है आपके पास, राष्ट्रीय आय। तो महालनोबिस समिति किससे संबंधित थी? ये थी राष्ट्रीय आय से। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो आपने ऑप्शन दिए गए, ये बताना है कौन सा है। तो पिछली जो वीडियो है उसमें भी मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताया था कि कौन सा सबसे पुराना है। तो ये है BSE। 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। आर्थिक नियोजन विषय है, तो आपने बताना है जो आर्थिक नियोजन विषय है वो किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो आपने बताना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है आर्थिक नियोजन। और ये कब से प्रारंभ हुआ था ये भी मैंने आपको पहले बताया है। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या करता है? घट जाता है, बढ़ जाता है या फिर अपरिवर्तित हो जाता है? या ऑप्शन डी, पहले घटता है या फिर बढ़ता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, घट जाता है। दांत का ऊपरी भाग किसका बना होता है? तो आपने बताना है जो दांत की ऊपरी परत है वो किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन सी, एनामिल की बनी होती है। तो वो बनी होती है दांत की ऊपरी परत, तो सी सही हो जाएगा। मात्रों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? तो आपने बताना है जो मात्रक है उसकी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब से लागू की गई थी? तो इसका जो आपके पास राइट आंसर हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन ए, 1971 से लागू की गई। ऊष्मा का एसआई मात्रक है, तो ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं, जूल है, वाट है, एम्पियर है या फिर न्यूटन है। तो इसमें से एक सही आंसर है, आप सोच सकते हैं। और लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा 10 में से कितने आपके सही हुए। तो ऊष्मा का एसआई मात्रक है आपका जूल, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनीर एक उदाहरण है। तो आपने बताना है पनीर किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन है आपके पास सस्पेंशन, जेल, इमल्शन और सॉल का। जो इमल्शन है ये किसका उदाहरण होता है? दूध का। तो जो पनीर किसका उदाहरण है? पनीर है जेल का, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता? तो आपके पास ऑप्शन दिए गए और ये आज का अंतिम प्रश्न भी है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या विटामिन, इनमें से कौन सा ऐसा है जो आपको ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन डी दिया गया है, विटामिन आपको ऊर्जा प्रदान नहीं करता, बाकी सभी करते हैं। आज का जो सवाल रहेगा, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। उम्मीद है आप सभी जवाब देंगे। अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।